बोल देना एक दिन आप चूड़ा कैसे बनाते हैं, देखना कैसे बनाए कैसे बनाए, मुझे तो दिखाई नहीं दे रहा। मैं बहुत बार मिरर में देखने की कोशिश करती हूँ फिर भी मुझे दिखाई नहीं देता, मुझे पता ही नहीं चलता कि मैंने चूड़ा कैसे बनाया। आप लोग पूछते हो और जो ये शाइन देख रहे हो ना बालों में, शाइन है ना, तो होम रेमेडी ट्राई कीजिए ना, कितनी सारी होम रेमेडी मैंने आप लोगों को दी है, तो प्लीज़ जाइए चेक कीजिए चैनल पे, बहुत अमेजिंग अमेजिंग होम रेमेडी आपको मिलने वाली है। आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो आप समझ ही गए होंगे टाइटल देख के कि क्या मेन टॉपिक है। इंस्टाग्राम पे पशुओं कल चौथे पता नहीं कब मैसेज आया था कि ये जो आप एक्सरसाइज बताते हैं क्या ये आप खुद करती हैं, तो अगर मुझे लगता है कि प्रॉब्लम है तो मैं खुद ये एक्सरसाइज करती हूँ, लगातार करती हूँ, और एक्सरसाइज तो वैसे भी मैं नॉर्मली करती हूँ। और सेकंड क्वेश्चन ये था कि क्या एक बार करने के बाद हमें दोबारा से ये प्रॉब्लम आ जाएगी, ऑफकोर्स आएगी अगर आप किसी चीज़ को कंटिन्यू रखेंगे, जैसे कि आप कोई होम रेमेडी लगा रहे हैं तो वो रेमेडी तब तक आपको अच्छा रिजल्ट देगी तब तक कि आप उसको लगाएंगे, अगर आप छोड़ देंगे तो वो भी आपके बालों को छोड़ देगी, जहाँ तक है वहीं तक छोड़ देगी। ओके, तो वेट लॉस जर्नी में जब मैंने अपना वेट कम किया था तो 7 या 8 महीने मैंने लगातार जम के मेहनत की थी, और उसके बाद मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, लाइक हल्का फुल्का जो डाइट था मेरा वो तो रखा ही था मैंने, लेकिन एक्सरसाइज वगैरह बिल्कुल छोड़ दी थी और मेरा वेट नहीं बढ़ा था। अगर आप जम के मेहनत करेंगे तो हो सकता है कि आपको दोबारा से प्रॉब्लम ना आए। तो आज की वीडियो में यही बात कहने वाली हूँ, एक्सरसाइज करके दिखाने वाली हूँ कि अगर आप लगातार 1 महीना तक इन सीरी एक्सरसाइज को कर लेते हैं तो आपको जो भी प्रॉब्लम है अपर बॉडी पार्ट से रिलेटेड, जो भी प्रॉब्लम है वो आपकी शो हो जाएगी। ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ लेते हैं। तो हमारी जो पहली एक्सरसाइज होगी सिंपल सी एक्सरसाइज, आप इनको खाली पेट कर सकते हैं, खाना खाने के 2 घंटे बाद आप इनको कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि नीचे बैठ के आप करेंगे, और स्पेशली आपको इनके लिए टाइम निकालना पड़ेगा। कभी भी बैठे बैठे आप फोन देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, बेड पे बैठे हैं, नीचे बैठे हैं, चेयर पे बैठे हैं, कभी भी आप इसको कर सकते हैं। तो हमारी जो पहली वाली एक्सरसाइज है उसके लिए आपको दोनों हाथ गर्दन के पीछे लेके जाने हैं, और आपका जो प्रेशर है ये वाला जो यहाँ पे लगना चाहिए आपको, मतलब कि महसूस होना चाहिए कि आपका प्रेशर यहाँ से आ रहा है। इससे क्या होगा कि आपकी जो नसें हैं ना ये लूज पड़ गए ना, बिल्कुल ऐसे लूज पड़ गए ना, तो वो ऐसे 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 खुलना स्टार्ट हो जाएंगी और आपका अपर बॉडी पार्ट ठीक होकर चला जाएगा। एक्सरसाइज का एक यही मेन अच्छी बात होती है। तो पहले एक्सरसाइज हाथ पीछे और बिल्कुल टांग के रखने हैं, ऐसे लूज नहीं होने देना, और फिर आप इसको ऐसे आगे लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6। देखिए अंदर की तरफ आना है आपको अपर बॉडी पार्ट की साइड से भी, और फिर जैसे ही आपके हाथ ऐसे जाते खुल जाना है, 8 9 10। फर्स्ट एक्सरसाइज, हर एक्सरसाइज आप एक बार कर सकते हैं, धीरे धीरे फिर आपको टाइम बढ़ा देना है, टाइम बढ़ाते जाएंगे आपको उतना ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता जाएगा। ओके, और फेस पे ग्लो अच्छा सा, मुझे तो आज मेरा फेस बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है, आप बोलेंगे क्या, क्योंकि मैंने एक होम रेमेडी आप लोगों के साथ शेयर की है, 1 hour challenge, वही रेमेडी मैंने यूज की है आज भी, तो जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो सेकंड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, दोनों हाथ ऐसे जोड़ लेने हैं आगे की तरफ, खींचना है आगे की तरफ, और फिर ऐसे लेके आना है, ये जो हाथ है ना कोहनी वाले, ये जो हाथ है इन्हें आपको मोड़ना नहीं है, ऐसे लूज नहीं करना, बिल्कुल सीधा रखना है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये भी 3 सेट में आपको करनी है, और पता है मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरे झंझनाहट हो रही है और मुझे यहाँ पे खिंचाव भी महसूस हो रहा है। अच्छा, जो लड़के ये बोलते हैं ना कि हमें बाहर निकलने में शर्म आती है, हमारा अपर बॉडी पार्ट बहुत ज़्यादा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो देखिए जैसा कुदरत ने आपको दिया है ना आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, आपको ये समझना पड़ेगा कि जैसे आप हैं वैसे ही आप बहुत ज़्यादा सुंदर हैं, जितना कॉन्फिडेंट होकर आप बाहर निकलेंगे ना उतना ही आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम देखो हर किसी के साथ होती है, आप सोचते हो कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम है ना,
लेकिन यही है कि जितना आप प्रॉब्लम को ही सोचेंगे ना, प्रॉब्लम है तो वो तभी तक प्रॉब्लम है जब आप छोड़ देंगे ना। ये क्या, ये तो कोई बात नहीं है, हर किसी के साथ है, और ये सिर्फ आपके साथ ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारी लड़कियां आपको ऐसी मिल जाएंगी। तो बी कॉन्फिडेंट। थर्ड एक्सरसाइज क्या है हमारी, थर्ड एक्सरसाइज के लिए आपको क्या करना है, हमारी जो पहली एक्सरसाइज थी ना सेम वैसे ही, बस आपको क्या करना है, इधर हाथ जोड़ लेने हैं, भगवान जी को नमस्कार करना है। खैर जो भी है, इन वाले एक्सरसाइज में आपको ऐसे दो तीन चार पांच छ सात आठ नौ दस ग्यारह, तो हमारी तीसरी एक्सरसाइज थी। अब जिन लड़कियों को ये लगता है, जो लड़कियां मेरे पास बार बार कमेंट्स करते हैं कि मेरे मंगेतर को अच्छा नहीं लगता, मेरा अपर बॉडी पार्ट छोटा है बड़ा है, तो वो जिसके साथ आप बंधने वाले हैं, बंधने जा रहे हैं, तो वो आपके लिए अच्छा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जो कोई भी आपको प्यार करेगा ना, वो आपके शरीर की ब्यूटी फिटनेस को मद्देनजर रखते नहीं करेगा, वो आपका ये देखेगा, दिल देखेगा कि आप कैसे हैं। ओके, अगर कोई आपके बॉडी पार्ट्स को देख के या फिर आपको देख के कि आप सुंदर हैं नहीं हैं ऐसे प्यार करता है, तो वो प्यार प्यार नहीं है, सिर्फ वो आकर्षण है, जिसको आप बोलते हैं ना आकर्षित होना, सिर्फ वो है प्यार, आप इसको नहीं बोल सकते। तो हमारी नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है उसके लिए आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे आपका सारा जोर आपके अपर बॉडी पार्ट पे होना चाहिए, ऐसे करना है। ये हमारी कौन सी एक्सरसाइज है, फोर्थ है ना, फोर्थ एक्सरसाइज आपको ऐसे करनी है, ठीक है। 3 सेट में करनी है हर एक्सरसाइज, बीच में थोड़ा सा 10 सेकंड का आपको रिलैक्स देना है अपने आप को, और फिर से आपको एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप मसाज भी कर लेते हैं अपने अपर बॉडी पार्ट पे, मसाज आपको कैसे करनी है वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ बहुत सारी वीडियोज़ में। कोई भी ऑयल आप ले सकते हैं, और आपको क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज और अपर डायरेक्शन में आपको मालिश करनी है। एक्सरसाइज के साथ साथ अगर आप ये भी कर लेते हैं तो आपके लिए डबल फायदा हो जाएगा, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको ये देगी। और सिर्फ यही करना है, कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, खाने के 2 घंटे बाद में आप इनको कर सकते हैं, जैसा मर्जी आप चाहें। तो अगर आप लगातार 1 मंथ के लिए ये करते हैं, तो 1 मंथ के अंदर आपको कुछ ना कुछ अमेजिंग रिजल्ट आपको अपने अपर बॉडी पार्ट में देखने को मिल सकते हैं। अगर मिल सकते हैं, मिल जाते हैं आपको, तो आप इनको कंटिन्यू रख सकते हैं जब तक कि आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पाता। ये था आज का वीडियो, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से, चैनल को सब्सक्राइब के बिना मत जाइएगा। मैं मिलती हूं फिर से किसी वीडियो में, तब तक के लिए बहुत ज़्यादा पानी पिए, खुश रहें, खुश रखें, बाय बाय।